मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो है प्याज और लहसुन के बारे में। नवरात्रों में क्यों हम प्याज और लहसुन नहीं खाते, अगर हम व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं लेकिन हम फिर भी प्याज और लहसुन से जैसे परहेज रखते हैं कि नवरात्रों के 9 दिनों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और अगर व्रत रखते हैं तब तो हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे क्या कहानी है, क्यों खाते नहीं है। हम में से बहुत से लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग ये जानते ही हैं कि नवरात्रों में या किसी भी व्रत में, पूजा पाठ में हम प्याज और लहसुन का जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन शायद ही हम में से कुछ एक लोग ही जानते होंगे कि हम क्यों प्याज लहसुन का उपयोग नहीं कर ते, इसमें क्या जो है तथ्य है, क्या कहानी है, तो उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। अमृत की कथा, समुद्र मंथन की कथा तो हम में से सभी लोग जानते ही होंगे कि अमृत कैसे निकला था, समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो उसमें से बहुत सी चीज़ें निकली थी जिसमें से अमृत भी निकला था। और जब अमृत निकला था तो देवताओं और दानवों में ये युद्ध हो गया था, एक तरह से समस्या हो गई थी, झगड़ा हो गया थी कि ये अमृत कौन लेगा। तो उस समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके आए थे और देवताओं और दानवों में अमृत का बराबर बंटवारा करने लगे थे, लेकिन उनमें से एक दानव को ये शक हो गया था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें अमृत नहीं मिल रहा है। तो वो देवताओं का रूप धारण करके देवताओं में बैठ गया था। वैसे हम में से सभी ये कथा तो जानते ही हैं। तो जब वो देवताओं में बैठ गया था, भगवान विष्णु ने उसको अमृत पान करवा दिया। जैसे ही अमृत पान करवाया, भगवान विष्णु को पता चल गया था कि ये देवता नहीं दानव है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तो उसका सर तो भगवान विष्णु ने काट दिया, लेकिन उसने अमृत पान कर लिया था जो उसके गले तक पहुंच गया था, इसलिए उसकी मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन वो सर एक अलग और उसका धड़ जो है अलग दो रूप बन गए, राहु और केतु, जो ग्रहों में जुड़ गए। तो माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने उसका सर काटा था उस समय जो खून धरती पर गिरा था, जो खून वहाँ से निकला था, उसी से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इसको शुद्ध नहीं माना जाता, भगवान को अर्पित नहीं माना जाता और इसको तामसिक भोजन माना जाता है, और किसी भी पूजा पाठ के कार्य में, व्रत उपवास में इसका उपयोग वर्जित माना जाता है, और नवरात्रों में भी इसीलिए प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसी के साथ एक और तथ्य है इसके साथ कि प्याज और लहसुन का उपयोग तो नहीं किया जाता पूजा पाठ में, लेकिन उस समय उस दानव ने अमृत का पान किया हुआ था, इसलिए जो ये उत्पत्ति हुई उसके खून से प्याज और लहसुन की, उसे उसमें कुछ औषधीय गुण आ गए। इसलिए प्याज और लहसुन में बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक कार्य में हम इसका उपयोग नहीं करते और नहीं कर सकते। तो ये प्याज और लहसुन की जो कथा थी, पौराणिक कथा, तो इसलिए हम नवरात्रों के 9 दिनों में भी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। और साथ ही के साथ कुछ और बातें हैं जो अगर हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, जैसे दिन में हमें सोना नहीं चाहिए अगर हम व्रत रख रहे हैं, इससे हमें व्रत का उतना फल नहीं मिल पाता, हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। और खेतरी, जो हम ज्वार खेतरी बोते हैं, उसमें अगर कोई समस्या आती है, जैसे उसमें फंगस लग जाती है हमारी खेतरी में या कोई भी समस्या आती है, उसके लिए एक अलग से मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसमें खेतरी के बारे में कोई भी अगर आपको समस्या आती है, खेतरी कैसे उगाते हैं और बाद में अगर कोई भी उसमें फंगस लगती है या समस्या आती है, वो दूर करने के लिए उस वीडियो में मैंने सारी जो है डिटेल मेंशन करी है, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि हमारी खेतरी से ही हमें पता चलता है कि हमारे नवरात्रि कैसे हैं, कैसे माता रानी खुश हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी है अपने मन की एक श्रद्धा है हमारी, जिस तरह व्रत भी एक श्रद्धा है, हमें नहीं पता माता रानी क्या हमें सोचते हैं बोलते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जो हम मानते हैं वही होता है। तो उसी तरह से
तो खेतरी के बारे में भी ऐसा ही हमारा जो मानना होता है। तो उसमें कोई भी समस्या हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। माता रानी सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, ये नवरात्रे सबके लिए शुभ हों और सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। जय माता दी।